बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 के 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे, चौथा पार्ट आज करने वाले हैं। इसमें 4 चीज़ें सीखेंगे: कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पार्ट नंबर 4 के बाद चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह के नंबर हैं वो पढ़ते हैं अभी। कंसिडर करें एक नंबर है एक्स, इसका स्क्वेयर लेने से हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। फर्ज कर लें ये 1 है, इसका स्क्वेयर लेने से आंसर 1 आ गया, 1 का स्क्वेयर 1 होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वेयर लेने से आंसर नेगेटिव आ जाए यानी -1 आ जाए, तो इस नंबर को यानी x को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। x की वैल्यू के लिए दोनों साइड में ग्रुप करेंगे, इससे कटा x इज इक्वल टू √-1। ये x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू √-1 है। इसको एयोटा से डिनोट किया जाता है, अयोटा √-1 के बराबर है। आगे क्वेश्चंस के लिए याद रहे कि अयोटा का स्क्वेयर -1 के बराबर होता है, यानी इसका अगर स्क्वेयर किया जाए इससे कटेगा तो अयोटा स्क्वेयर -1 आ जाएगा। अयोटा की वैल्यू √-1 है और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है और z की वैल्यू होती है a+iota b, या b iota, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं इसे। इसमें a एक रियल नंबर है, b को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और iota वही वैल्यू √-1 जो आपको बताई थी। इस पूरे के पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को क्या कहा जाता है? ये z है, z बार, इसको कंजुगेट से डिनोट किया जाता है। इसको लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ z, z बार। z बार होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया जाए। इस केस में a+b होता है तो a-b होता लिख देंगे। ये हमने z का कंजुगेट लिखा। इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि अगर z की वैल्यू 2+3 होता हो तो z बार की वैल्यू 2-3 होता होगी। जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वो डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेशन है एडिशन। अगर कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल z है 2+3 होता और y 3+4 होता है, तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? z प्लस वाई इज इक्वल टू 2+3 होता प्लस 3+4 होता, इन दोनों को ऐड करना है। पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब ये रियल पार्ट था, इसको रियल पार्ट बोलते हैं। ये जो आयोटा के साथ नंबर लिखा होता है इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसमें 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, 5 बना। इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, 7 आयोटा बनता है। 5+7 आयोटा, ये z और y का एडिशन था। अब दूसरी चीज सब्ट्रैक्शन डिस्कस करते हैं। कंसिडर करें यही 2 नंबर्स हैं, इन दोनों को माइनस करना है, z माइनस y लिखना है। 2+3 योटा z की वैल्यू थी, इसमें से माइनस करनी है y की वैल्यू 3+4 योटा। ब्रैकेट्स ओपन होगी, जब अगली ब्रैकेट ओपन होगी तो साइंस अंदर वाले बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस था।
रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा टू माइनस थ्री माइनस वन होता है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा थ्री माइनस फोर माइनस वन होता है, साथ आयोटा है माइनस वन आयोटा, आयोटा के साथ वन आ जाए तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस वन माइनस आयोटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। अब तीसरी चीज मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कंसिडर कर लें ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें जी और वाई का, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फोर प्लस नाइन एटा और थ्री प्लस फाइव एटा का प्रोडक्ट निकाल लें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस नंबर ने पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर उसमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फोर को थ्री प्लस फाइव एटा से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर को थ्री से करेंगे ट्वेल्व बनेगा, फोर को फाइव से करेंगे प्लस ट्वेंटी एटा बनेगा, नाइन को थ्री से करेंगे ट्वेंटी सेवन साथ एटा भी था, और नाइन को फाइव से करेंगे 45 बनेगा, और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्क्वायर बनेगा 12, 20 एयोटा और 27 एयोटा, एयोटा वाली दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, ये 47 एयोटा बनता है, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी माइनस वन होती है, ट्वेल्व प्लस फोर्टी सेवन एटा, फोर्टी फाइव जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर्टी फाइव बनेगा, ट्वेल्व माइनस फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री प्लस फोर्टी सेवन एटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर पूछा जाए कि आंसर में रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। आखिरी चीज डिवीजन करते हैं, कंसीडर करें जी ओवर वाई की वैल्यू निकालनी है, टू प्लस फोर एटा ओवर थ्री प्लस फाइव एटा की, तो इसको डायरेक्ट हल करने का कोई तरीका नहीं है, इसको करने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन बोलते हैं कि नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलने से आएगा, थ्री माइनस फाइव एटा, थ्री माइनस फाइव एटा से मल्टीप्लाई किया और थ्री माइनस फाइव एटा से डिवाइड भी किया, अब ये ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला जब ऊपर वाले से होगा इस तरह से लिखा जाएगा, टू थ्री से हुआ सिक्स बना, फोर एटा माइनस फाइव एटा से हुआ, फोर एटा थ्री से हुआ प्लस ट्वेल्व एटा बना, टू माइनस फाइव एटा से हुआ माइनस टेन एटा बना, और फोर एटा माइनस फाइव एटा से हुआ माइनस ट्वेंटी एटा स्क्वायर बना, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सिक्स प्लस ट्वेल्व एटा माइनस टेन एटा प्लस टू एटा बनता है, माइनस ट्वेंटी एटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिखेंगे, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, ये ट्वेंटी फाइव एटा स्क्वायर बनता है क्योंकि फाइव एटा दो नंबर से उनके ऊपर स्केयर है, तो फाइव पे स्केयर बनेगा एटा पे भी स्केयर बनेगा, माइनस ट्वेंटी जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस ट्वेंटी बनेगा, एटा स्केयर की जगह माइनस वन लिख लेंगे, सिक्स और ट्वेंटी ऐड होंगे ट्वेंटी सिक्स प्लस टू एटा ओवर ट्वेंटी फाइव में वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ट्वेंटी फाइव बनेगा, ट्वेंटी सिक्स प्लस टू एटा 25 और 9 34 बनते हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन एयोटा वाले आंसर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, इसको ए प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लिखना होता है, इनका डिनोमिनेटर एक नहीं होना चाहिए, तो इसको देखते हैं कैसे करना है, 34 को दोनों के साथ अलहदा कर लें, 26 बाय 34 प्लस 2 बाय 34 एयोटा,
ये अलहदा इस करने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या। अगर हम कहें 26 रियल पार्ट और 2 इमेजिनरी पार्ट है तो वो गलत होगा क्योंकि नीचे 34 में लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कह सकते हैं 26/34 रियल पार्ट है और 2/34 इमेजिनरी पार्ट है। एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट करें। उसके पहले पार्ट में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 को इवेल्युएट करने के लिए इसकी पावर इवन में होनी चाहिए जबकि ये ऑड में है। ये याद रखें कि इसकी पावर इवन में होनी चाहिए। इसकी पावर इवन में करने के लिए आयोटा × आयोटा 6 लिख सकते हैं क्योंकि एक आयोटा की पार अलहदा कर ली और बाकी 6 आयोटा की पार अलहदा कर ली। अब ये पार इवन में आ चुकी है। ये आयोटा ऐसे लिखा जाएगा। आयोटा की पार 6 को आयोटा² की पार 3 लिखा जा सकता है। इवन करने का यही फायदा होता है। आयोटा स्क्वेयर की कुछ भी पार लिख सकते हैं जो इवन नंबर हों, लेकिन अगर ऑड हो तो ये तो 2 का मल्टीपल ही नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब ये 2 और 3 मल्टीपल अगर वापस 6 बन सकते हैं इस वजह से इसको इस तरह लिखा। आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, -1 की पार 3 बनेगा। -1 की पावर 3 -1 ही बनता है। आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा। ये पहले पार्ट को इवेल्यूएट किया। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 50। आयोटा की पावर 50 को आयोटा² की पावर 25 लिख सकते हैं। ये -1 बनेगा / 25 है। माइनस जब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन लिखा हो और बाहर ऑड नंबर हो तो वो साइन चेंज नहीं होता, माइनस ही रहता है। जबकि बाहर अगर इवन नंबर और अंदर नेगेटिव नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 12। इसको आयोटा² की पावर 6 लिख सकते हैं। पहले देखना ही होता है कि इवन है या ऑड है। तो ये इवन है तो इसको 2 का मल्टीपल करके लिख लेंगे। अगर ऑड हो लाइक दिस तो आयोटा एक आयोटा अलहदा कर लेंगे बाकी इवन बन जाएगा। आयोटा² -1 होता है, -1 की पावर 6 सबके बाद इवन है तो ये 1 आंसर आएगा इसका, पॉजिटिव होके आंसर आएगा। चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में -8 लिखा हुआ, -8 लिखा हुआ। अब यहाँ पे माइनस है और एयोटा दो नंबर्स हैं, एक नंबर नहीं है, तो माइनस पे 8 अलहदा से लगेगा और एयोटा पे 8 अलहदा से लगेगा। जब माइनस साइन के ऊपर पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है और आयोटा की पावर 8 को आयोटा² की पावर 4 लिख सकते हैं। ये +7 ना भी लिखें अगले स्टेप में तो ज़रूरी नहीं, नेगेटिव होता है लिखना ज़रूरी होता है, प्लस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। आयोटा² -1 होता है, /4 है, -1 की पावर 4 1 बनता है, 1 आंसर है इसका। इसके फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है -8 की होल पावर 5। इसमें भी दो नंबर्स हैं, माइनस पे भी अलहदा से 5 लगेगा, आयोटा पे भी अलहदा से 5 लगेगा। -की पावर 5 माइनस ही रहेगा। आयोटा की पावर 5 दो टुकड़ों में करना पड़ेगा, आयोटा 4 माइनस, इसी तरह आयोटा 4 को आयोटा² का स्क्वेयर लिख सकते हैं। माइनस इसी तरह आगे आयोटा है, आयोटा² को -1 लिख सकते हैं, -1 का स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर 1 बनता है। अब माइनस है, आयोटा है और 1 है, ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई, 3 नंबर मल्टीप्लाई करने से -8 बनता है। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नंबर्स दिए हैं इनका कॉन्जुगेट्स फाइंड करें। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2+3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट के लिए लिखेंगे कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल नंबर, इसको रियल नंबर बोलते हैं, और जो आयोटा के साथ हरी लिखी है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर 2 है, इमेजिनरी नंबर +3 है। रियल नंबर ऐसे ही रहेगा, 2+3 की जगह -3 कर देंगे और साथ आयोटा लिख देंगे। इमेजिनरी नंबर की वैल्यू साइन चेंज करके लिख देते हैं। 2-3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है। इसके फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है -3 आयोटा। इसमें रियल नंबर 0 है, यानी आयोटा के बगैर कोई नंबर मौजूद ही नहीं है, 0 है।
इसका कॉन्जुगेट बनेगा, इसका इमेजिनरी नंबर जो कि माइनस थ्री है उसका साइन बदलने से, प्लस थ्री एटा करने से, प्लस थ्री एटा या प्लस ना भी लिखें तो थ्री एटा इसका कॉन्जुगेट बनता है। इसके सिक्स पार्ट में लिखा हुआ है टू प्लस जीरो एटा, अब की बार इसका रियल नंबर टू है लेकिन इसका इमेजिनरी नंबर जीरो है। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, उसका साइन चेंज करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, बट इसको टू माइनस जीरो एटा लिख सकते हैं, ये इसका कॉन्जुगेट है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो योटा के साथ वाली लिखी है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो योटा के बगैर लिखी है वो रियल पार्ट होता है। इसके फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हैं, अगर एक्स प्लस वाई योटा प्लस वन इज इक्व टू फोर माइनस थ्री योटा, ये लिखा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखें वेरिएबल्स को एक साइड पे लिख लेंगे, कांस्टेंट सारे एक साइड भेज देंगे, वेरिएबल एक्स और वाई वाली वैल्यूज है, एक्स प्लस वाई ओटा इधर ही लिखा रहेगा, फोर माइनस थ्री ओटा इसके साथ जो प्लस वन था उसे दूसरी साइड भेज के माइनस वन लिखा, फोर माइनस वन थ्री माइनस थ्री ओटा इधर एक्स प्लस वाई ओटा। अब लेफ्ट साइड पर रियल नंबर एक्स है वो बराबर है राइट साइड वाले रियल नंबर के, राइट साइड पर रियल नंबर थ्री है, एक्स की वैल्यू मिल गई, लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी नंबर वाई है, राइट साइड पे इमेजिनरी नंबर माइनस थ्री, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वाई की वैल्यू भी मिल गई। एक्सरसाइज 2.6 पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.6 के पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, उसके पहले पार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस थ्री, अंडर रूट माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर थ्री बनता है, चेक करते हैं। अंडर रूट माइनस थ्री और अंडर रूट माइनस थ्री, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का स्केयर होता है, इसी तरह अंडर रूट माइनस थ्री अंडर रूट माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट माइनस थ्री का स्केयर बनेगा, स्केयर स्केयर रूट से हमेशा कटता है, माइनस थ्री आंसर बनता है जबकि इन्होंने थ्री कहा था, तो ये फॉल्स है। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ एटा 73, एटा की पावर 73 माइनस एटा बनेगा, चेक करते हैं। ये पावर ऑड एस को इवन में करने के लिए एक एटा अलग करना पड़ेगा, एक पावर कम हो जाएगी, एटा इंटू एटा 72, एटा इंटू एटा स्केयर की पावर 36 लिख सकते हैं, एटा इंटू एटा स्केयर माइनस वन हो तो माइनस वन की पावर 36, एटा इंटू पावर इवन है तो ये वन हो जाएगा, एटा बनता जबकि इन्होंने कहा था माइनस एटा, तो दूसरा पार्ट भी इसका फॉल्स है। इसके तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है योटा की पावर 10 माइनस वन बनता है, चेक करते हैं, योटा स्क्वायर की पावर 5 इसे लिख सकते हैं, योटा स्क्वायर माइनस वन होता है माइनस वन की पावर 5 माइनस वन ही होता तो माइनस वन आंसर आया, मतलब ये ट्रू है। इसके चौथे पार्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस सिक्स योटा प्लस योटा स्क्वायर, एक नंबर दिया, बोलते हैं इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा माइनस वन प्लस सिक्स एटा, चेक करते हैं, ये एक नंबर है, ये नंबर असल में माइनस सिक्स प्लस एटा की जगह माइनस वन लिख सकते हैं, ये है माइनस सिक्स एटा प्लस माइनस माइनस वन बनेगा, यानी माइनस वन माइनस सिक्स एटा लिख सकते हैं। इसको अगर आगे लिखते हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलते हैं कॉन्जुगेट के लिए, ये और ये सेम बन रहा है यानी ये ट्रू है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेने से वही आंसर बना। इसके फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी एटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, कहते हैं ये एक नंबर है, इसका कॉन्जुगेट जो होगा कॉन्जुगेट ए माइनस बी एटा होगा, इन दोनों का डिफरेंस करें यानी जी माइनस जी बार करें तो एक रियल नंबर आंसर में आएगा, चलें इनका डिफरेंस करके चेक करते हैं, डिफरेंस होता है माइनस करना, ये पहला नंबर लिखा उसका कॉन्जुगेट लिखा दरमियान माइनस लिखा, ए ए प्लस बी एटा माइनस ए, अंदर वाले साइंस बदल के प्लस ए था माइनस ए बना, माइनस बी एटा था प्लस बी एटा बना, प्लस बी एटा ए और माइनस ए कटे, बी एटा और बी एटा टू बी एटा बना, जिसमें एटा आज वो रियल नंबर नहीं हो सकता, इन्होंने कहा था कि रियल नंबर आंसर में आएगा लेकिन रियल नंबर आंसर में नहीं आया तो हमारा ये वाला क्वेश्चन फॉल्स है। सिक्स पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट में लिखा हुआ है इफ ए माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री एटा, ए माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री एटा,
आयोटा बाहर है ब्रैकेट के, बराबर वो 5 + 8 आयोटा के, तो ए की वैल्यू बनेगी 6 और बी की वैल्यू बनेगी -11। चेक करते हैं इसके अंदर लेफ्ट साइड पे एक नंबर है, आगे माइनस है, एक और नंबर है जिसका 3 होता है, यानी लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट ए -1 है, राइट साइड पे रियल पार्ट 5 है। ये -1 जाके ऐड होगा, 5 + 1 हो जाएगा, ए 6 आएगा, और इस साइड इमेजिनरी पार्ट -b + 3 आयोटा है। इमेजिनरी पार्ट ये पूरे का पूरा इसलिए क्योंकि इस पूरे के साथ आयोटा मल्टीप्लाई पर है, राइट साइड पे 8 इमेजिनरी पार्ट है। ये माइनस साइन पहले शिफ्ट होगा, माइनस साइन अगर पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो पूरी राइट हैंड साइड पे चला जाता है, -8 बना। अब ये बी दोनों आयोटा आयोटा लिख आयोटा नहीं लिखते, सब इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, आयोटा नहीं लिखते। b + 3 = -8 बना, +3 जाके -3 हो जाएगा, -8 - 3 -11 बना, b की वैल्यू -11 आई, a 6 आई, तो ये बिल्कुल ठीक था, तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रू है। सेवन्थ पार्ट करते हैं इसका, सेवन्थ पार्ट में लिखा प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कहते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b होता और उसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने से z × z बार करने से एक नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। देखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर आता है, यानी a से मल्टीप्लाई होगा a² a - b होता से होगा -ab होता आएगा, b होता a से होगा +ab होता आएगा, यानी ये नंबर पहले इन दोनों से होगा फिर ये नंबर इन दोनों से होगा, b होता इससे होने वाला है, तब b² बनेगा, -ab होता +ab होता कट जाएगा, a² -b² ओटा स्केयर की जगह -1 लिख सकते हैं, a² + b² क्योंकि -1 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है उसका साइन उलट जाता है, ये +b² बनेगा। हाँ ये ठीक कहा था इन्होंने कि नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर इसलिए क्योंकि इसमें कहीं पे भी आयोटा नहीं है, तो ये बात ठीक थी यानी ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन हैं इनको a + b होता के फॉर्म में लिखें। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 2 + 3 होता +7 - 2 होता, इसमें ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 2 + 3 होता +7 - 2 होता लिखा जाएगा, ये 2 है ये 7, इन दोनों ने ऐड होना है, योटा वाली दोनों वैल्यूज ने ऐड होना है, 1 योटा बनेगा यानी योटा। ये a + b योटा फॉर्म कहलाती है, यानी एक नंबर है उसके बाद प्लस या माइनस का साइन आएगा, उसके बाद एक और नंबर होगा जिसके साथ योटा, इस केस में 1 था नहीं लिखा, मतलब वो नंबर मौजूद है लेकिन लिखा नहीं। इसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 2 a² +6 a³ +3 a² 16 -6 a² 19 +4 a² 25 2 a² जगह -1 लिख सकते हैं, +6 a² और a² अलहदा करना पड़ेगा, इधर a² 8 इसे लिख सकते हैं, इसे a² और a² 18 अलहदा करना पड़ेगा, इधर भी a² और a² 24 अलहदा करना पड़ेगा, 2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 बनेगा, +6 a² की जगह -1 लिखेंगे, +3 a² की जगह -1 लिखेंगे, ऊपर -8 है -6 a², इसे a² 9 लिख सकते हैं, 4 a² 12 लिख सकते हैं, +6 a² - 1 से मल्टीप्लाई होगा -6 a² बनेगा, +3 - 1 की पावर 8 पॉजिटिव इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, 6 a² की जगह -1 लिख सकते हैं 9 है, +4 a² की जगह -1 लिख सकते हैं 12, -2 - 6 a² +3 1 से मल्टीप्लाई होगा +3 बनेगा, -6 a² -1 की पावर नेगेटिव ऑड है तो ये -1 रहेगा, 4 a² अब की बार पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, -2 - 6 a² +3 -6 a² -1 से मल्टीप्लाई होगा +6 a² बनेगा, +4 a² 1 से +4 a² -2 + 3 +1 बना, -6 a² +6 a² 2 सेम नंबर्स लेकिन साइन उलट हो तो वो कट जाते हैं, आगे +4 a² ये इसका आंसर है,
प्लस फोर एयोटा इस पार्ट का आंसर। ये ए प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ, ए प्लस बी एयोटा के फॉर्म में ही करना था। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन में भी ए प्लस बी ओटा के फॉर्म में लिखना है। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है टू माइनस अंडर रूट माइनस फोर, अगली ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्री माइनस अंडर रूट माइनस फोर। अपनी आसानी के लिए हम अंडर रूट माइनस फोर को आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ऐसे कि इसको माइनस वन इंटू फोर लिख सकते हैं और अंडर रूट दोनों को अलहदा कर सकते हैं। ये रेडिकल्स के लॉज में पढ़ा था। माइनस वन के ऊपर अंडर रूट आई, ये आयोटा कहलाता है। अंडर रूट फोर ये टू कहलाता है, यानी ये टू आयोटा बना। अब जहाँ पे भी अंडर रूट माइनस फोर लिखा होगा उसकी जगह मैं टू आयोटा लिखूंगा। इसकी जगह टू आयोटा लिख लेंगे, इसकी जगह टू आयोटा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे। टू थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स, टू माइनस टू से माइनस फोर आयोटा, टू थ्री से माइनस सिक्स आयोटा, टू टू से माइनस माइनस प्लस फोर आयोटा स्क्वायर बनेगा। सिक्स माइनस फोर आयोटा माइनस सिक्स आयोटा माइनस टेन आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन। सिक्स माइनस टेन आयोटा माइनस फोर बनेगा, सिक्स माइनस फोर टू, टू माइनस टेन आयोटा। इसका आंसर ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ अंडर रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर लिखेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। ये वाला साइन अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा माइनस। टू ए बी ये लिखेंगे, ये स्क्वायर कटेगा फाइव बना। ये दोनों का स्क्वायर होगा थ्री का भी आयोटा का भी, नाइन आयोटा स्क्वायर बना। टू थ्री से मल्टीप्लाई हुआ सिक्स, आगे एयोटा और अंडर रूट फाइव ये बना। एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस सिक्स एयोटा अंडर रूट फाइव या सिक्स अंडर रूट फाइव एयोटा किसी तरह से भी लिख सकते हैं। फाइव माइनस नाइन माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव सात एयोटा, फाइव माइनस नाइन माइनस फोर बनता है, माइनस फोर माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव एयोटा। ये इसका आंसर है, ए प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है टू माइनस थ्री एयोटा और थ्री माइनस टू एयोटा के ऊपर बार है। बस करना ये है कि बार में जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन तब्दील कर देना है, माइनस तो प्लस कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, टू को थ्री से सिक्स, टू को टू से फोर एयोटा, माइनस थ्री को प्लस थ्री से माइनस नाइन एयोटा, माइनस थ्री से माइनस सिक्स एयोटा। सात स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक एयोटा एक एयोटा ही था। सिक्स फोर एयोटा ये माइनस फाइव एयोटा बनता है, माइनस सिक्स एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिखेंगे। सिक्स माइनस फाइव एयोटा प्लस सिक्स, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व बने, ट्वेल्व माइनस फाइव एयोटा। इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन है माइनस टू ओवर वन प्लस एयोटा। जब नीचे एयोटा आ जाए तो उस नंबर को रैशनलाइज करना ज़रूरी होता है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माइनस टू ओवर वन प्लस एयोटा दिया हुआ, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके लाइक वन माइनस एयोटा इसका कॉन्जुगेट है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। माइनस टू वन माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वन प्लस एयोटा वन माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टू, फिलहाल इसी तरह लिखा रहने दें। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, यानी ए का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ऊपर माइनस टू इंटू वन प्लस एयोटा लिखा हुआ, वन का स्क्वायर वन बनता है, एयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। माइनस टू इंटू वन प्लस एयोटा, नीचे वन प्लस वन बन गया, नीचे टू बन गया, ऊपर माइनस टू इंटू वन प्लस एयोटा। ए टू इस टू से कटा, ऊपर बना माइनस इंटू वन प्लस एयोटा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन माइनस एयोटा बनेगा। ये प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लिखती है।
जब भी योटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाए उसका कंजुगेट लें और मल्टीपल डिवाइड करवा दें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। इसके पार्ट 1 में लिखा हुआ 2-3 योटा इंटू एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल्स टू 4+ योटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x+2y योटा -3x योटा -3y योटा स्क्वायर दूसरी साइड 4+ योटा 2x+2y योटा -3x योटा -3y योटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 4+ योटा -3x योटा ये +3y बन जाएगा क्योंकि -1 मल्टीप्लाई होगा 4+ योटा। अब इसमें आयोटा वाली वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे और आयोटा के बगैर वाली को एक साथ लिख लेंगे 2x और 3y को एक साथ लिख लेंगे। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इनमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा कॉमन को राइट साइड पे लिख लेंगे, लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं ऐसे। ये दोनों एक साथ लिख लिए, इन दोनों से आयोटा कॉमन लिया, पीछे बचा 2y-3x। अब इस साइड जो रियल पार्ट है वो है 2x+3y, ये बराबर आएगा राइट साइड वाले रियल पार्ट के जो कि 4 है। 2y-3x इमेजिनरी पार्ट है, उधर इमेजिनरी पार्ट 1 है। ये दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स नोएथेरियन क्रामर्स रूल साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के कई तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, कैंसिलेशन मेथड से भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ 3-2 योटा x plus y iota is equals to 2x-2y iota plus 2y iota -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3x+3y iota -2x iota -2y iota square is equals to, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2y स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे, -2x बन जाएगा। और ये 2x इधर आके -2x होगा, -4y इधर आके +4y हो जाएगा, 2y-1 उधर लिख रहे हैं। 3x-2x सिर्फ x बच जाएगा, साथ ही +2y आ जाएगा। 3-2x योटा +3y योटा +4y योटा +7y योटा, दूसरी साइड -1 + 2 योटा लिखा हुआ। ये बनता है x+2y, इन दोनों से योटा कॉमन ले लिया, पीछे बचा 2x-7y। माइनस भी कॉमन आ गया इसलिए साइन चेंज हो गया। इक्वल टू दूसरी साइड -1 + 2 लिखा हुआ। इस साइड पे रियल पार्ट x+2y है, दूसरी साइड पे रियल पार्ट -1 है। इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट -(-2x-7y) है, उस साइड पे इमेजिनरी पार्ट 2 है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें -2x+7y इज इक्वल्स टू 2, एक ही इक्वेशन बन जाएगी और एक ही इक्वेशन बन जाएगी। इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसे इक्वेशन 2 कह रहे हैं, दोनों को सॉल्व कर लें जिस तरीके से आप चाहें। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।